वोल्बाचिया बैक्टीरिया इन न्यूज दोबारा है, इसके बारे में क्या है इम्पोर्टेंट चीज समझ लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टडीज एवर पब्लिश बाय द है ना सेइंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जून शोड द है ना वोल्बाचिया बैक्टीरिया हैव चेंज्ड है ना वेस्टेप इन काशिया है ना फॉर्मोसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ ओनली फीमेल्स। दिस फाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल सिंस ई फॉर्मेसा फैट्स एंड ऑन द डिस्ट्रक्टिव वाइट फ्लाइज इन द फार्म। अब ये क्या है, ये क्या करता है, व्हाइट फ्लाइज जो फार्म में आती है उनको मारने का काम करता है। अमेरिकन रिसर्चर मार्शल हैटिंग और सैमन ब्रुक ने वोल्ब्लैच जो पहले नोटिस किया था लिंक वोल्बेचिया बैक्टीरिया एंड एंथ्रोपोड्स के बीच में कई साल पहले ये नोटिस किया कि ये बैक्टीरिया जो है वो बग्स की सेल के अंदर रहता है और ये कॉमन अकरेंस है कई एंथ्रोपोड्स में। अंडरस्टैंडिंग वोल्ब्लैचिया इम्पैक्ट ये पास डाउन करता है ना थ्रू फीमेल इंसेक्ट्स बिकॉज दे आर फाउंड इन एग्स बट नॉट इन स्पर्म। ये फीमेल कीड़ों के अंदर ही जा सकता है क्योंकि ये एग्स में तो फर्टाइल होता है, स्पर्म में नहीं जा सकता। बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया आर मोर लाइकली टू रिप्रोड्यूस विद द फीमेल देन विद मेल्स। तो ये क्या करेगा, फीमेल जो इंसेक्ट्स हैं उसमें ज्यादा पाया जाएगा। कैन चेंज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन होस्ट ग्रोथ। अभी क्या अपना रेशियो बदल देता है, फीमेल्स में ज्यादा पाया जाएगा, मेल में कम पाया जाएगा। अब इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ माले एलिमिनेशन, साइंटिस्ट एस ए यू के कहा कि ई फार्मोसा ब्रैक्स जो है वाइल्ड है एंड ऑलवेज हैड अ फीमेल बेबीज। मोस्ट टेस्ट ऑफ लैब शोड दैट गिवन एंटीबायोटिक लाइक टेरासाइक्लिन टू द फीमेल है ना वॉशएप्स कॉज देम टू प्रोड्यूस मोर मेल ऑफस्प्रिंग ऑलमोस्ट 70% ऑफ द। दिस शोज नॉर्मल अमाउंट ऑफ वोल्ब्लैचिया कॉज क्रोमोसोम्स टू डबल द वेसेप एग्स दैट हैजंट बीन फर्टिलाइज्ड व्हिच मोस्टली लेड टू द फीमेल ग्रोथ। अब ये क्या करता है, जब ये बैक्टीरिया आता है तो क्या करता है, ऐसी चेंजेस ले आता है कि मैक्सिमम फीमेल्स के ही एग्स फर्टाइल होंगे। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट जब होता है तब इन चीजों को रेगुलेट किया जा सकता है और फीमेल ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। अब फ्यूचर में क्या है, कंसर्न है स्पीसीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर नो मेल्स इन द नेचुरल कम्युनिटी, अगर मेल ही न्यू मेल्स बैक्टीरिया के चक्कर में तो कीड़े मर जाएंगे। मेल्स रेज इन लैब एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद जब इनको डाला जाता है तो ये लैब में पैदा हो रहे और ये फीमेल के साथ मेट नहीं करेंगे, मेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म एब्सेंस हो जाएगी इस कॉज की और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब ये बिहेवियर चेंज को अंडर नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये करनी कि नेचुरली ये कैसे आएंगे, मेल अकरेंस कैसे होगी, जो बहुत इम्पॉसिबल दिख रहा है आज की डेट में, और इसके ना होने से बहुत ज्यादा लॉसेज हमें सामने प्रस्तुत होंगे।